व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सस्टेक बनाओ। फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 11S और इन्फिनिक्स नॉट 11 के बीच में। आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इन दोनों के बीच में एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करें। अभी जो दोनों स्मार्टफोन है लगभग सिमिलर से प्राइस सेगमेंट के अंदर आते हैं, बट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफर करते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है उस चीज के बारे में आज हम पता करेंगे, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन पावर करते हैं मीडियाटेक हीलियो G88 के गेमिंग चिपसेट को। तो चिपसेट सेम है, बट जो सॉफ्टवेयर पार्ट है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अब दोनों फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर ही आते हैं, बट इन्फिनिक्स का जो कस्टम यूआई है वो आपको दोनों फोन के अंदर डिफरेंट देखने को मिलता है। जो हॉट 11S है वहां पर आपको XOX 7.6 देखने को मिलता है, और जो हॉट 11S है वहां पर आपको लेटेस्ट XOX 10.0 देखने को मिलता है। तो सॉफ्टवेयर वाइज तो डेफिनेटली यहां पर काफी डिफरेंस है, क्योंकि बोला जाता है कि एक फोन में सॉफ्टवेयर भी परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा मैटर करता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि दोनों फोन में जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना डिफरेंस है। अब ये जो कंपैरिजन है एक फेयर कंपैरिजन, इसके लिए हमने क्या किया है कि दोनों फोन के आपको 4GB 64GB वेरिएंट देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के बीच में हम जो कंपैरिजन उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये जो स्पीड टेस्ट हम करने वाले हैं, यहां पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कुछ बेसिक एप्स को ओपन करेंगे, उसके बाद में हाई एंड ग्राफिक्स गेम्स के ऊपर जाएंगे, और ये सब करने के बाद हम जो रैम मैनेजमेंट है उसको चेक करेंगे, दोनों डिवाइस का जो रैम मैनेजमेंट है वो कैसा है, और लास्ट में दोनों फोन के साथ में वीडियो रेंडर करके भी देखेंगे, और साथ ही साथ हीटिंग इशू दोनों में कैसा देखने को मिलता है ये सब भी चेकआउट करेंगे। तो काफी सारी चीजें यहां पर होने वाली है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो के साथ में आज तक बने रहना, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों फोन्स को मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कर रखा है। बाकी टेस्ट को शुरू करने से पहले हम इन डिवाइस का जो गीकबेंच और अंतुतु स्कोरिंग है उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो अगर बात करें गीकबेंच स्कोरिंग की, तो सिंगल कोर का जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, बट मल्टीपल स्कोर में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, और सेम चीज अंतुतु स्कोरिंग के साथ में भी है। यहां पर भी आपको जो स्कोरिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, बट एक्चुअल लाइफ के अंदर ये कैसा परफॉर्म करते हैं उसको हम एक बार यहां पर चेकआउट करेंगे। तो यहां पर दोनों फोन्स के अंदर मैंने रीसेंट ऐप्स को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो शुरू में हम कुछ बेसिक ऐप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे बड़े ऐप्स के ऊपर जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं डायलर ऐप के साथ में। नॉट 11 के अंदर पहले ओपन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में मैसेजिंग ऐप, ये भी नॉट 11 में पहले ओपन हुआ। कैमरा अगेन नॉट 11 मुझे पहले लग रहा है। क्रोम, और यहाँ पर एप्पल की वेबसाइट हमने पहले से ओपन करके रखी है, देखते हैं किस में ओपन होता है। ओके, तो यहाँ हॉट 11S में पहले ओपन हुआ है। तो गाइस यहाँ पर मैं वीडियो को बीच बीच में थोड़ा सा स्किप कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अभी हम बढ़ते हैं गैलरी की तरफ। नॉट 11 में पहले ओपन हुआ, ऑलराइट। प्ले स्टोर दोनों में लगभग सिमिलर सा है। ट्विटर हॉट 11S में पहले ओपन हुआ। अब YouTube लगभग सिमिलर सा है, बट आई थिंक हॉट 11S में पहले ओपन हुआ है। अब हॉटस्टार हॉट 11S में पहले ओपन हुआ है। नाउ मिंत्रा नॉट 11 में पहले ओपन हुआ। फ्लिपकार्ट अगेन नॉट 11 यहाँ पर आगे लीड करता हुआ। Amazon फिर से नॉट 11 में पहले ओपन हुआ। हॉट 11S में अभी भी ओपन नहीं हुआ है, आई डोंट नो क्या चक्कर है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ ताकि आपको बेसिकली बोरियत ना हो और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। नाउ फेसबुक हॉट 11S में पहले ओपन हुआ, बट लोड नॉट 11 में हुआ, तो लगभग सिमिलर सा है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर नॉट 11 में पहले हुआ, और राकेश भाई का फोटो भी आ गया। अब गाइज यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रैम मैनेजमेंट को चेक कर लेते हैं। बेसिक ऐप्स हो चुके हैं, तो रीसेंट ऐप्स को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओपन करते हैं एक बार फ्लिपकार्ट को, दोनों के अंदर ओपन है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब, ये भी दोनों के अंदर ओपन है, तो नॉर्मल ऐप्स के अंदर तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक गेम्स को भी एक बार ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडी क्रश को ओपन किया है, तो नॉट 11 में पहले ओपन हुआ है। नाउ टेम्पल रन ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, हॉट 11S में शायद पहले लोड हुआ है। नाउ एंग्री बर्ड, देखते हैं किस फोन में पहले लोड होता है। तो यहां पर नॉट 11 के अंदर पहले लोड हुआ, बट जो इंटरफेस है वो हॉट 11S में पहले आया। और एक ऐप जिसको हम भूल गए थे, विच इज Spotify। ओके, तो नॉट 11 यहाँ पर लीड करता हुआ। तो
तो गाइस देखो काफी सिमिलर से रिजल्ट रहे हैं, हालांकि यहाँ पर जो नॉट 11 है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर लेता है। अब कुछ रिसेंट एप्स को एक बार ओपन कर लेते हैं, दोनों में ओपन है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब दोनों के अंदर रीलोड हो चुका है, मतलब रैम मेमोरी से चला गया है। क्रोम दोनों के अंदर अवेलेबल है, और टेम्पल रन नोट 11 में अभी भी है, और हॉट 11s ने दोबारा से रीलोड किया है। काफ़ी हद तक सिमिलर सी परफॉर्मेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो नोट 11 है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ हैवी गेम्स को ओपन कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं S4 9 के साथ में। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पर नोट 11 थोड़ा बेटर होगा, आई थिंक। यस, नोट 11 में पहले ओपन हुआ है। इसके अलावा एक और गेम है विच इज़ BGMI, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो हॉट 11s के अंदर ये पहले लोड हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं कि सारे ऐप्स तो ओपन है ही, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि CPU थ्रॉटलिंग को करते हैं। तो CPU थ्रॉटलिंग के मैं यहाँ पर एक दो टेस्ट करने वाला हूँ, उसके बाद में फाइनली पता कर लेंगे कि हीटिंग इशू है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर एक बार जो है CPU थ्रॉटलिंग के लिए जो CPU थ्रॉटल का ऐप है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट को मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 टेस्ट किए हैं, 5 मिनट के ईच टेस्ट को मैंने यहाँ पर किया है, जहाँ पर हॉट 11s के अंदर मुझे CPU के साथ में थोड़ा सा थ्रॉटलिंग देखने को मिला। बाकी जो नॉट 11 है वहाँ पर डेफिनेटली कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस ये मेंटेन कर लेता है। तो ऑब्वियसली CPU थ्रॉटल के बाद में मैंने ये जितना नोटिस किया है, जो नॉट 11 है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। तो लगे हाथ हीटिंग इशू को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रंट में हॉट 11s का जो टेम्परेचर है वो है 39.2 और नीचे की तरफ है 36, तो ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पर 40 तक चला गया है नॉट 11 का, और नीचे है 36, तो टॉप में डेफिनेटली यहाँ पर हल्का सा डिवाइस हीट हुआ है। और अगर पीछे की बात करें तो पीछे भी यहाँ पर आपको 39 के करीब देखने को मिलता है और नीचे जो है 36 के करीब है। तो ऑब्वियसली जो नॉट 11 है वहाँ पर आपको हीटिंग इशू देखने को मिलता है। और मैंने अपने डिटेल रिव्यू के अंदर भी बताया कि हॉट 11 के साथ में आपको कंपेयर टू हॉट 11s जो हीटिंग इशू है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी सेम चिपसेट होने के बावजूद जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपको नॉट 11 के साथ में बेटर देखने को मिलती है। और उसका ऑफकोर्स एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो सब कुछ चेक करने के बाद एक बार रीसेंट ऐप्स को जाकर चेकआउट कर लेते हैं कि कौन से जो ऐप है वो मेमोरी में है कौन से नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले मैं पबजी को ओपन करूंगा। तो पबजी आप देख सकते हो दोनों ने रीलोड किया है, मतलब दोनों की ही रैम मेमोरी से ये जा चुका है। इसके अलावा कुछ अदर ऐप्स की बात करें तो S4 9 में जो है दोनों के अंदर रीलोड हो चुका है। तो एक चीज़ तो है कि हेवी गेम्स जब आप खोलते हो या फिर इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो तो मेमोरी में दोनों ही फ़ोन जो है इतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। तो रैम मैनेजमेंट दोनों ही फ़ोन में इतना ज़्यादा परफेक्ट मुझे देखने को नहीं मिला। इवन जो YouTube है वो भी आप देख सकते हो दोनों ने फिर से रीलोड किया है। तो रैम मैनेजमेंट को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है कमी देखने को मिलेगी। अब इसी के साथ में काइन मास्टर के अंदर हम एक रेंडरिंग भी करके देख लेते हैं। तो दोनों फोन्स में काइन मास्टर को ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर सेम वीडियो क्लिप को यूज़ करने वाले हैं, और जो वीडियो का स्पीड है वो भी मैं यहाँ पर 0.5 कर देता हूँ। तो देख सकते हो तो सेटिंग्स ऑलमोस्ट डन है। तो अब यहाँ पर मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ 1080p 30fps के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 एंड गो। और यहाँ पर हॉट 11s ने थोड़ा सा पहले ही वीडियो को रेंडर कर दिया। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर क्लियर विनर है इन्फिनिक्स नॉट 11, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। हालांकि दोनों फ़ोन के अंदर आपको सेम चिपसेट देखने को मिलता है और ऑलमोस्ट जो स्पेक्स है वो आपको सिमिलर से मिलते हैं। और अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर देखोगे तो जो प्राइस डिफरेंस है वो भी लगभग 1000 रुपीज़ का है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको एक AMOLED पैनल देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको जो है एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। इसके अलावा चार्जिंग स्पीड और थोड़े से डिज़ाइन वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसकी वजह से 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको इन्फिनिक्स नॉट 11 के साथ में थोड़ी बेटर मिलती है। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, चिपसेट सेम होने के बावजूद अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया नहीं है उस फोन से एक अच्छी परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जो इन्फिनिक्स हॉट 11s है वहां पर सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि यहां जो सॉफ्टवेयर है वो अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है। हालांकि फोन को लॉन्च हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं, बट स्टिल यहां पर आपको XOX 7.6 ही देखने को मिलता है। तो इस चीज को लेकर मैं डेफिनेटली इन्फिनिक्स को बोलना चाहूंगा कि यार एटलीस्ट
सॉफ्टवेयर अपडेट आप टाइम पे दो। सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर इस ब्रांड के साथ में काफी ज्यादा गंदा सीन है, तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है और सॉफ्टवेयर अपडेट रेगुलरली पुश करने चाहिए। आप अच्छे डिवाइस बना रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर भी थोड़ा काम करना शुरू कर दे तो यूजर एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो सकता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको एक बैंक डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाकी दोनों फोन का अगर आप डिटेल रिव्यू चेकआउट करना चाहते हैं तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लेना। फिलहाल के लिए स्टूडियो में बस इतना ही। मेरे स्टूडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।